वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ग्रैन्यूल्स का और पोटैटो का कबाब बनाने वाली हूँ, यानी वेज कबाब। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो मैंने इसमें सामान ले रखा है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है। ये ग्रैन्यूल्स हैं, इन्हें मैंने एक घंटा पानी में सोख करके रखा हुआ है। ये आलू हैं, इन्हें मैंने मैश करके रखा है। ये लहसुन है, 8 कली, कैप्सिकम, ये बीन्स, ये हरी धनिया, एक मिर्ची और ये नींबू। तो इन सब से मैं आज आलू के और ग्रैन्यूल्स के कबाब बनाऊंगी। इसमें आप चाहो तो इसमें आप अनियन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अनियन यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप चाहो तो इसमें अनियन भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं पहले ये जो जिंजर और गार्लिक है इसे मैं, और ये जो क्या ग्रीन चिली है, इन्हें मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। जब वो हल्का ग्राइंड हो जाएंगे, हल्का दरदरा आपको मिक्स करना है। उसके बाद में जो मैंने ग्रैन्यूल्स सोक करे हुए रखे हैं, इन्हें भी मैं उसी के साथ मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लूँगी। तो जब वो हल्का सा दरदरा बन जाएगा, हमें उसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ दरदरा रखना है। जब वो पिस जाएगा, उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को इस पोटैटो में मिक्स करेंगे और फिर हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो चलिए मैं पहले इन्हें मिक्सी में सब डाल दिया है और मैंने ग्राइंड करूँगी, पीस लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रैन्यूल्स डालूँगी और उसे भी हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दी है, अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। हल्का दरदरा पीसना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया, अब मैं इसे बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, हल्का दरदरा पीसा है। तो इस तरीके से तो मैंने लहसुन और जीरा और मिर्ची और गार्लिक पीसा था, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे, ये जो मैंने पोटैटो लिया था, इसके साथ इसे मिक्स कर दूँगी। उसके बाद इसमें एक एक करके हम अनियन और जो आपके पास जो भी मिक्स वेज अवेलेबल हो, चाहे आप कैप्सिकम डालो, बीन्स डालो, कैरेट डालो, तो इस तरीके से हरी धनिया, नींबू, ये सब डालना है। और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ करूँगी। आप चाहो तो मैदा यूज़ कर सकते हो, मैदा नहीं है तो चावल का आटा यूज़ कर सकते हो, वो भी नहीं है तो आप कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च यूज़ कर सकते हो, जिससे इसकी बाइंडिंग प्रॉपरली हो पाएगी और हमारे कबाब अच्छे से बंध पाएंगे और हम उन्हें अच्छे से फिर फ्राई भी कर सकते हैं, उनकी अच्छी शेप बन पाएगी। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। हम इस पोटैटो में ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है, हम इसको ऐड करते हैं और फिर हम धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें ऐड करके हम इसे एक अच्छा मिक्सचर रेडी करते हैं। पहले मेरे कबाब रेडी हैं और मैंने इन्हें सिंपल सा सजाया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉस और चटनी के साथ। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।